सिंध ऊचिया 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 सिंध ऊचिया। तलाश करते हैं। हमारा कहना यह है कि पहले दिन से इस मुल्क में कभी जमहूरी हुकूमत नहीं आई। जमहूरी हुकूमत आती तो यहाँ इदारों की खुद मुख्तियारी आती, लोगों को सियासी मुआशी हकूक बराबर के मिलते और जो पाकिस्तान के फेडरेटिंग यूनिट्स हैं उनको अपने अपने वतन के अख्तियार मिलते, रूल ऑफ लॉ आता, पार्लियामेंट एक 12-10 इदारे के तौर पर मुल्क की खारजी दाखिली मुआशी पॉलिसी का तरतीब देती। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और जिस वजह से इस मुल्क में पाकिस्तान के जो सियासी रहनुमा वफाकी रहनुमा है उनको जाती तौर पे भी बहुत अजीमत उठानी पड़ी है, लेकिन उन्होंने तारीख से सबक नहीं सीखा। इसलिए हमने इस सारी सूरत हाल का जायजा लेते हुए एसटीपी को आइंदा आने वाले इंतखाबात के लिए एक मजबूत पार्लियामानी माज के तौर पर मुतारिफ करवाया है और हमें उम्मीद है कि कल एक एक एमपीए एक एक एमएनए की सीट में हम अपने पार्टी के उम्मीदवार खड़े करेंगे इन जागीरदारों मीरों पीरों वडेरों के खिलाफ। लिखे पढ़े नौजवान होंगे जो हारी और मजदूरों के बच्चे होंगे और वो इस जागीरदार मुआशरे का मुकाबला करेंगे। इस तरह सिंध में एक नई इब्तिदा नई इंकलाब की शुरुआत हो रही है। वफाकी सियासत से सिंध के लोगों को इतनी बड़ी दिलचस्पी नहीं है। इमरान खान साहब की शख्सियत से लोगों को बहुत उम्मीदें वाबस्ता थी, लेकिन इमरान खान का इंकलाब आने से पहले इस्टेब्लिशमेंट के हाथों यरमाल हो गया। जो एक तरक्की पसंद डेमोक्रेटिक और लिबरल आदमी जिसे समझा जाता था इमरान खान को, आज उसने जो है बुनियाद परस्ती और इस्लामी फलाही रियासत का जो तस्वर और खाका पेश किया है जिससे सिंध के लिखे पढ़े लोग बहुत मायूस हुए, वही मजबूत मरकजियत कायम करने की एक रवश है जिसे हम मुकम्मल तौर पर रद्द करते हैं। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आइंदा वक्त में सिंध में एक आजाद और बावकार हैसियत से ये सिंध के लिखे पढ़े मुतवस्सित तबके के नुमाइंदे एसटीपी के प्लेटफॉर्म से मुंतखब होकर आएंगे और सिंध की पार्लियामानी हिस्ट्री नए सिरे से लिखेंगे। ये जुल्फकार आबाद के मंसूबे, ये थर के कोयले पे कब्जा, ये झंपीर और जुमशाई के कोस्तानी इलाकों पे कब्जा, इस कब्जे के खिलाफ हम भरपूर तहरीक चलाना चाहते हैं आइंदा साल और अपने वतन पे किसी भी सूरत में हम अकलियत में तब्दील नहीं होना चाहते। ये जितने भी मंसूबे हैं ये इसीलिए मुतारफ कराए गए हैं कि हम सिंधी अकलियत में तब्दील हो जाएं और जो गैर सिंधी लोग हैं वो इस वतन के हाकिम और मालिक बन जाएं। तो इंशाल्लाह हम पुरअज़म हैं, हम हर आमिर और जबर से टकराएंगे और ये वक्त दूर नहीं जब सिंध के लोग अपनी कामयाबी और कामराना लेकर इस मुल्क की सिंध की नई तारीख लिखेंगे। जेके जमहूरी पार्लियामानी सियासत में हिस्सो वठंदड़ कांग्रेस पार्टी में जिन जो सपना अलाइंस ठहियल है कुछ सपना का पायरन उन्हें सभी के गदे एकड़ो उम्मीदवार जो असो कंसेंसस जो उम्मीदवार होंगे कांग्रेस का जो गदेल उम्मीदवार होंगे इन बुनियाद से अस इलेक्शन विड़ंदी। बाकी हर पार्टी पैं पान के अलहदा इलेक्शन कमीशन और रजिस्ट्रेशन कराए चुकी है। हर पार्टी जो इंतखाबी निशान होंगे तरह से इलेक्शन में सरगर्मी में हिस्सों वी
पर जेके भी जिथे भी कौम परस्त जा उम्मीदवार हुंदा उनके सभी कौम परस्त पार्टी ने करे हिमायत। डॉक्टर, मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल है, आपको क्या तवक्को लगती है कि मार्च से पहले कुछ गवर्नमेंट का कोई खात्मा हो जाएगा या ये एक्सटेंड करेगी, और कोई गैर आईनी एग्जाम हुआ तो उस पर आपका क्या मौके? देखिए, ये बहुत बड़ी हाइप है रोजमर्रा, ये किसी टीवी के एंकर पर्सन की मर्जी है कि वो कोई भी बहस छेड़ दे, फिर सारा मुआशरा जो है वो उसी बहस और हिजा में मुब्तला हो जाता है। हम ये कहते हैं कि इस हुकूमत ने तकरीबन 4 साल तो पूरे कर लिए अपने दौर, 5वां साल वैसे ही इंतखाबात का साल होता है, उसकी तैयारी का साल होता है, तो अब इलेक्शन तो हम, मैं इस पे गारंटी दे सकता हूँ कि इलेक्शन 2012 में होंगे। बाकी हुकूमत जो है मार्च से पहले जाएगी, मार्च के बाद में जाएगी, ये न मैं नजूमी हूँ, न मेरा किसी इकदार के ऐवानों में आना जाना है, न किसी आईएसआई के बंदे से कानापूसी का कोई रिश्ता है, इसलिए मैं कोई तारीफ नहीं दे सकता। होगी कि वजीर आजम खुद, हम खुद नए इंतखाबात मांगते हैं इस मुल्क में, क्योंकि ये हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है, अपने दौर की नाहल हुकूमत साबित हुई है, इसलिए वजीर आजम साहब को अवाम के एहसास और जज्बात का ख्याल रखते हुए नए इंतखाबात का ऐलान करना चाहिए और नई केयर टेकर सेटअप के लिए सदर साहब को मशवरा देना चाहिए। नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी का फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप? देखें, एस्टेब्लिशमेंट ने अभी 3 ऑप्शन पैदा कर दिए। पहले ये होता था कि पीपल्स पार्टी हुकूमत में है, उसका दौर खत्म हुआ तो लोग भागते थे, भाई आइंदा दौर नवाज शरीफ का है, क्योंकि ये वारे वट्टी का बाय रोटेशन काम चल रहा था। अभी जो है उन्होंने 3रा ऑप्शन दे दिया लोगों को, भाई आप घबराएं नहीं, अगर इमरान साहब ना पीपल्स पार्टी से भी बेजार हैं और नवाज शरीफ से भी आप काम नहीं कर सकते, तो बेहतर आप इमरान खान की तरफ चले जाएं, जिसका आप देख रहे हैं कि तजर्बा हो रहा है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो अपना पूरा वक्त जो है वो फिजूल अमल पे जाया कर दिया है, इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत और फ्यूचर के बाबत लोगों के बाद बहुत सवाल आते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं, मुशर्रफ दौर के बाद वो जलावतनी से जो कुछ सीख कर आए हैं, अभी उनको एक मौके और मिलना है कि मियां नवाज शरीफ तारीख से सबक सीख कर तो इस मुल्क में अपना मस्बत जमहूरी किरदार अदा करेंगे, या वही एस्टेब्लिशमेंट के हाथों यकमाल होकर अपने इकदार के बचाने के लिए हिकमत अमली इख्तियार करेंगे, ये वक्त को फैसला करना है। ऐसा कोई लाया अमल है आपके पास के कौम पर जमातों का जो इतहाद है वो सिंध में कम अज कम तीसरी बड़ी हुकूमत के तौर पर सामने? देखिए, अभी तो आप, मैं अगर कह भी दूं तो आप कहेंगे डॉक्टर साहब ऐसे फिजूल की बात कर रहे हैं, अब तो उनके पास यूनियन काउंसिल नहीं है। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी जब ये इंतखाबात आएंगे, अनाउंसमेंट होगी, क्योंकि देखिए सिंध की असलियत जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ है या फिर इंडिविजुअल जागीरदारों के कब्जे में है। जब इंडिविजुअल जागीरदार डिलीवर नहीं कर सके, उन्होंने सिंध को बिकाऊ माल समझ के दीवाल किया है, और पीपल्स पार्टी ने एज अ पार्टी लोगों को जहनी और रूहानी तौर पर बहुत जख्म पहुंचा है, बेनजीर साहबा के कत्ल से लेकर सिंध की कौमी वहदत के इस्तेहकाम तक। तो अब लोगों के पास और कोई 3रा ऑप्शन नहीं है, अगर कोई कौम परस्त इस ऑप्शन को गंवाएंगे तो ये कौम परस्तों की बहुत नाली गर्दानी जाएगी। हमें उम्मीद है कि आइंदा इंतखाबात में कौम परस्त जो है वो 3रे ऑप्शन के तौर पर समाज में मुतारफ होंगे। देखिए, मुझे तो हैरानी है, मुझे तो हैरानी है, जो लोग इंसानी हकूक और जमहूरियत और कानून की बालादस्ती के बड़े बड़े नारे लगाकर शोपीस बने घूमते हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पे जो है बड़ा एतराज है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? कहा कि हुसैन हक्कानी को हथकड़ी लगा के फांसी पे चढ़ा दो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये 3 हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, ये जाकर तहकीकात करें कि मेमो हकीकत क्या है, मंसूर एजाज की वो फन जादूगरी है या वाकई हुसैन हक्कानी को गद्दारी जैसा काम किया है, उसके बाद फैसला होगा कि कौन मुजरिम है, कोई बेगुनाह है। अगर तहकीकात से जो बचना चाहते हैं वो लोगों को मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि वो वाकई हकीकी मुजरिम है, फैसले से पहले तहकीकात से पहले।
डॉक्टर कादर मसीह फार कासम आबाद। थैंक यू सर, मेहरबानी।